नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज राष्ट्र का सवाल ये कि जब भी हिंदू त्यौहार इस देश में होते हैं तो उस पर पत्थरबाजी या हिंसा फैलाकर देश को सुलगाने की साजिश क्यों होती है। सवाल है कि क्या हिंदुस्तान में हिंदुओं को अपना त्यौहार मनाना भी गुनाह है क्या? हिंदू पर्वों पर नफरत वाली साजिश का ऑर्डर आखिर आता कहां से? देश भर में गणेशोत्सव मनाया जा रहा है। गुजरात के सूरत में कल देर रात गणेश पांडाल पर नफरती पत्थर फेंके गए, आगजनी की गई। साजिशकर्ताओं में बच्चों को मोहरा बनाकर पत्थरबाजी की, बच्चों को आगे कर दिया कि पत्थर बरसाओ। फिर शहर के कई इलाकों में आगजनी और तोड़फोड़ कर उत्पात मचाया, उसकी तस्वीरें आपके सामने। इस घटना के बाद गुजरात पुलिस ने सख्त एक्शन लिया, 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सवाल है कि बार बार हिंदू पर्व ही टारगेट पर क्यों है? राजस्थान, बंगाल, सूरत, कहीं भी चले जाइए। सवाल उन सियासतदानों से भी है जो अवैध मस्जिद और मदरसों पर सरकार के एक्शन पर तो छाती पीटते हैं, लेकिन जब हिंदू और हिंदुओं के पर्व को टारगेट किया जाता है तो चुप्पी साध लेते हैं। आज इसी मुद्दे पर डिबेट, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। पथराव, आगजनी और हुड़दंग की ये तस्वीरें सूरत की है, जहां कुछ उपद्रवियों ने सूरत शहर के अमन में जहर घोलने की कोशिश की। हिंदू त्योहार को निशाना बनाकर गणेश पांडाल में पत्थर बरसाए गए। मामला सूरत के लालगेट थाना इलाके के सैयदपुरा का है, जहां लोग गणपति की भक्ति में सराबोर थे, तभी अचानक कुछ उपद्रवियों ने गणेश पांडाल पर पथराव कर दिया। उपद्रवी पूरी तैयारी के साथ हाथों में लाठी डंडा लेकर गणेश पांडाल पर हमला करने पहुंचे थे। मुंह पर कपड़ा बांधे उपद्रवियों ने पांडाल पर पहुंचते ही पत्थरबाजी शुरू कर दी। आरोप है कि साजिश करने वालों ने नाबालिग लड़कों को मोहरा बनाया और उनसे पत्थरबाजी करवाकर माहौल खराब करने की कोशिश की। हमारे मंडल वाले भी बैठे थे और एक रिक्शा आई, ऑटो, उसमें 6-7 बच्चे थे, तो उसमें से एक ने पत्थर मारा सीधा हाथ पे लग के, गणपति के हाथ पे लग के वो दमरू बनाया, उस पे के चाके गिरा और दमरू डैमेज हो गया। बस हमारे लड़के ने यहाँ से पलंग लगाई, उसको पकड़ लिया। बस वो हमारे कैमरे में भी कैद हुआ है, हमने पुलिस को बुलाया, उसको पकड़ लिया। कितने लड़के को पकड़ा था? और चार पांच लड़के को पकड़ा है, बाकी के सब भाग गए। फिलहाल आपके यहाँ किस प्रकार का माहौल है, किस प्रकार का डर? वो तो हम भी नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते अभी तो। बस हम डरे हुए, हम इतना ही कह सकते हैं कि हम डरे हुए हैं, हम यहाँ 40 साल से रहे। इतना ही नहीं, पांडाल के बाहर लगे रेहड़ी पटरियों और दुकानों में तोड़फोड़ की गई। साथ ही उपद्रवियों ने कई जगहों पर गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। मैं दिखाता, इस वक्त हम सूरत के कतारगाम दरवाजा के पास मौजूद है और यहाँ की मैं अगर आपको तस्वीर दिखाऊँ तो आप देखिए, ये टेम्पो में तोड़फोड़ की गई है, दूसरी तरफ इस गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई है और अन्य जो गाड़ियां थी वो पूरी तरह से जला के फूक दी गई है। जो आगजनी की गई थी सूरत में वो कतारगाम दरवाजा के पास की गई थी। आप ये गाड़ी को देख सकते हैं कि पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है, अंदर सीट तक नहीं बची है। आप देखिए, गाड़ी पूरी तरह से जल के राख हो चुकी है, अंदर एक सीट भी नहीं है। साथ ही साथ ये टेम्पो भी अगर आप देखिए तो टेम्पो के अंदर भी आपको नजर आ जाएगा कि किस तरीके से आगजनी यहाँ पर की गई थी। पत्थरबाजी की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लाठी चार्ज कर उपद्रवियों को खदेड़ दिया। गणेश पांडाल पर पथराव के बाद हिंदू सड़कों पर उतर आए, चौराहों और रास्तों को बंद कर दिया। इस दौरान लोगों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। गुस्साए लोगों ने उपद्रवियों पर एक्शन की मांग को लेकर पुलिस चौकी का घेराव किया और जबरदस्त नारेबाजी की। घटना की सूचना के बाद सरकार हरकत में आई। खुद सीएम भूपेंद्र पटेल ने पुलिस कमिश्नर को फोन कर मामले की रिपोर्ट मांगी तो गृह मंत्री हर्ष सांघवी खुद मौके पर पहुंचे। जिस पांडाल पर पत्थरबाजी की गई वहां जाकर पूजा की और साफ किया, माहौल खराब करने वाले किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। ये त्यौहार एवं गुजरात की शांति को ठेस पहुंचाने वाले लोगों को कॉम्बिंग करते वक्त आपने देखा, दृश्य आप सबने देखा है कि किस प्रकार से ताले लगा के अंदर छुपे हुए थे, किस प्रकार से पुलिस ने सभी ताले तोड़े और एक एक को घर के पर्दे के पीछे एक के ऊपर एक लोग छुपे हुए थे, उनको भी पकड़ा गया। ये तो लोहा का ताला था, जो चाहे वो ताला बना ले। ऐसे एक एक व्यक्ति को ढूंढ ढूंढ के पकड़ के
सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। गुजरात की शांति को ठेस पहुंचाने वाले, चाहे वो कोई भी लोग हों, उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा, सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। सूरत में आज भी तनाव का माहौल है। उपद्रवियों के कल मचाए उत्पात और आगजनी के निशान सूरत में दिख रहे हैं। इस बीच पथराव वाली जगह पर अतिक्रमण के खिलाफ सरकार ने सख्त रुख अपना लिया। सरकार ने बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण को हटाया। इस बीच पुलिस ने 3 अलग अलग FIR दर्ज कर 34 लोगों को गिरफ्तार कर दिया है। पुलिस पुरता प्रमाण में वो तैनात है। यहाँ SRP का वो पुलिस है, लोकल पुलिस है, क्राइम ब्रांच वाला है और वो यहाँ बिल्कुल वातावरण नॉर्मल है और अभी ड्रोन से वो हमारा वो सर्वेलेंस चालू है। 34 गिरफ्तारी हुई है, आगे और भी होगी गिरफ्तारी। वो जो इन्वेस्टिगेशन में निकालता है इस हिसाब से आगे का कार्रवाई करेंगे। हिंदू त्योहार पर माहौल बिगाड़ने की साजिश पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी आरोप लगा रही गणेश पांडाल पर पत्थरबाजी के पीछे कांग्रेस का हाथ है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस मुसलमानों को टूलकिट की तरह इस्तेमाल कर देश में आग लगाना चाहती है। मुसलमान है और ये कांग्रेस का प्रायोजित है। कांग्रेस ही इनको टूलकिट बना करके क्या सूरत में पथराव करेंगे गणेश पूजा पर? क्या ये बांग्लादेश हो गया? बांग्लादेश में गणेश मूर्ति के ले जाने पर तो मैंने देखा कि पानी फेंका गया। ये फारूक अब्दुल्ला के साथ राहुल गांधी पाकिस्तान की बात करेंगे क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस भारत को जला देना चाहती है। इसके पीछे भी कांग्रेस का ही हाथ है। देश में जो सूरत की घटना घटी है, कांग्रेस ने टूल किट मुसलमानों को बनाया और ये बांग्लादेश बना देना चाहते हैं। क्या हिंदुओं ने कभी, सूरत के हिंदुओं ने या देश के हिंदुओं ने कभी तजिया पे पत्थर फेंका? मैं देश के मुसलमानों से पूछना चाहता हूं और राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, अखिलेश यादव से पूछना चाहता हूं, क्यों जुबान बंद हो जाती है मुसलमान के नाम आते ही? जिस तरह से गणेश पंडाल में पत्थरबाजी की गई उससे कई सवाल उठ रहे हैं। गणेश पंडाल पर किसने साजिश रची? नफरती पत्थर किसके कहने पर बरसाए गए? पंडाल पर पत्थरबाजी संजोग नहीं क्या सोचा समझा प्रयोग है? पंडाल पर पत्थर बरसाकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की क्या साजिश है? और सवाल ये भी कि बार बार हिंदू त्योहार ही निशाने पर क्यों? सबसे बड़ा सवाल है, सूरत में हिंदू त्योहार पर हुई पत्थरबाजी पर पूरा विपक्ष चुप क्यों है? क्या राहुल गांधी, अखिलेश यादव और ओवैसी बरसाए गए नफरती पत्थरबाजी का खुलकर विरोध कर पाएंगे? ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले बंगाल राजस्थान में रामनवमी पर पत्थरबाजी हो चुकी है। सूरत में पिछले साल भी उपद्रव हुआ था। लिहाजा सवाल उठता है, हिंदू पर्वों पर ही नफरत के पत्थर क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो सूरत में अभी गणेश पंडाल पर पथरा हुआ, पश्चिम बंगाल में आपने देखा रामनवमी के जुलूस पर पथरा हुआ, हनुमान जयंती हो जुलूस निकले तो पत्थरबाजी हो जाती है। तो ये गैंग आता कहां से पत्थर बरसाने वाला? चलिए आपका परिचय पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। राकेश त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, आचार्य विक्रमादित्य जी हिंदू धर्मगुरु, चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, मुमताज आलम रिजवी जी इस्लामिक स्कॉलर और हाजी नाजिम खान अब से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चंद्रमोहन जी आपसे शुरू करता हूं, और आरोप लग रहे हैं कि सब कांग्रेस स्पॉन्सर्ड कर रही है जो गिरिराज सिंह ने कहा। कांग्रेस स्पॉन्सर्ड कर रही है, भाजपा जनता पार्टी स्पॉन्सर्ड कर रही है। जो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों के ऊपर 2014 के ऊपर आई थी और कार्य की बात करती थी, आज उसके पास देश के अंदर बेरोजगारी की बात करने को नहीं है, उसके पास महंगाई की बात करने को नहीं है, उसके पास देश के अंदर जिस तरह से जो इंडस्ट्री धारा हो रही है उस पर बात करने को नहीं है। देश का जो व्यापारी देश छोड़कर लगातार लाखों की तादाद में बाहर विदेशों में स्थापित हो रहा, उस पर बात करने के लिए तो उसका सारा फोकस, पूरा ध्यान प्रायोजित किसी भी हिंदू धर्म के ऊपर इस तरह की अनगल हरकतें कर हिंदू और मुस्लिम की उस एकता को खंडित करने की तरफ है, ताकि उसका वो मुद्दे दब जाएं और उस मुद्दे से उनका हिंदू मुस्लिम। चंद्रमोहन जी अपने रूल स्टेट में प्रायोजित है नहीं, मतलब अपने रूल स्टेट में बीजेपी कहेगी जाओ पत्थर बरसा के चले आओ, और वो भी एक खास वर्ग से कह देगी, दूसरे धर्म के लोगों से कह देगी कि जाओ पत्थर बरसा के चले आओ, नाबालिग बच्चों को आगे कर देगी कि जाओ पत्थर बरसा के चले आओ। बड़ी अच्छी फिलॉसफी लेकर आए सर। अगर आपके पास गिरिराज सिंह की बात का कोई जवाब नहीं है, आप ये कह सकते थे कि झूठ बोल रहे गिरिराज सिंह, लेकिन आप कह रहे हैं बीजेपी करवा रही, तो प्रूफ दीजिए ना फिर।
अरे तो मैं कहता हूँ गिरिराज सिंह जी प्रूफ दे देना। हाँ बिल्कुल आपकी बात ठीक है, तो सर आपको यही बात कहनी चाहिए थी चंद्रमोहन जी की, गिरिराज सिंह प्रूफ क्यों नहीं देते? सेंटर में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी, आपको यही बात कहनी चाहिए थी चंद्रमोहन जी की, गिरिराज सिंह प्रूफ दे, बीजेपी प्रूफ दे कि कांग्रेस स्पॉन्सर कर रही है। मैं नहीं कहना चाहिए था कि बीजेपी करवा रही है, क्योंकि फिर आपको भी प्रूफ देना पड़ेगा। राकेश जी टाइम्स नाउ का प्रवक्ता नहीं हूं मैं, कांग्रेस पार्टी का नेता। तो मैंने कब कहा कि आप टाइम्स नाउ पार्टी आपने देश के लिए अरे सर आप मैंने कब कहा टाइम्स नाउ का एक आदमी मैं हूं। प्रेशर के लिए बात है कि भारतीय जनता पार्टी जवाब दे सेंटर में बैठ के कि सनातन के और हिंदू धर्मों के ऊपर इस तरह से अटैक क्यों हो रहे हैं, डबल इंजन की वो सरकार। ठीक है, एक ट्वीट कि उनके मुझे चंद्रमोहन जी मैं जा रहा हूँ राकेश जी के पास, मुझे एक ट्वीट राहुल गांधी का, एक कोई सोशल मीडिया पोस्ट कांग्रेस के किसी नेता का दिखाइए सर इस बात पर। सत्ता अगर यही दूसरे धर्म के किसी पर्व पर किसी आयोजन पर टारगेट हो गया होता तो बवाल मच गया होता इस देश में। आप दिखाइए एक सोशल मीडिया पोस्ट, आपको चैलेंज देता हूँ दिखाइए। अरे बवाल तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को मुद्दों से बचना है, इसलिए बवाल की बात करनी है। लेकिन क्यों हो रहा है, ऐसी कमजोरी क्या है जिसके कारण ऐसा हो रहा है, उस पे ना तो आप प्रश्न पूछोगे सत्ता से, आप प्रश्न पूछोगे विपक्ष से। राजस्थान में आप लोगों की सरकार जिम्मेवारी तो सत्ता पे है। अब इस चैनल के अंदर अगर अनडिसिप्लिन, राकेश त्रिपाठी इस चैनल की डिबेट में कोई भी गिरिराज सिंह को वो खारिज कर देते कि झूठ बोल रहे हैं। राकेश टाकी खारिज नहीं किया, कह रहे हैं बीजेपी करवा रही है। तो इस चैनल नहीं, खारिज करने की जरूरत नहीं है, मैं साबित कर देता हूं और आपके देख रहे दर्शक किस बात को समझ जाएंगे कि कैसे इन घटनाओं के पीछे एक पॉलिटिकल संरक्षण होता है, एक पॉलिटिकल इंटेंशन होता है। कैसे होता है, आप जैसे ही अभी कार्रवाई हो रही है ना, आप घटनाओं को जरा देखिएगा। इन घटनाओं में हर संघवी जी ने जो बताया ना कि गुजरात में जो ताला लगा करके ताले के भीतर अंदर छुप करके बैठे थे, वो गुजरात की सरकार को इस बात के लिए भूरी भूरी प्रशंसा हम करते हैं कि उन्होंने ताले तोड़ करके ऐसे जो उपद्रवी हैं उनको उनकी मुकम्मल जगहों तक पहुंचाने का काम किया है। और मुझे लगता है कि आप गुजरात के कांग्रेस के नेताओं की प्रतिक्रिया भी साथ में अगर दिखाते ना तो अपने आप राजफास हो जाता, पता चल जाता कि उपद्रव किसने कराया है। क्योंकि जैसे ही उपद्रवियों पर कार्रवाई होती है वैसे ही छाती पीटते हुए मातम मनाते हुए कांग्रेस के नेता निकल करके सामने आ जाते हैं। ये अगर यूपी की बात होती तो यूपी में समाजवादी पार्टी के नेता आ जाते, ये बिहार की बात होती तो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के नेता आ जाते, ये बंगाल की बात होती तो बंगाल में टीएमसी के नेता निकलकर सामने आ जाते, वाम दल के नेता निकलकर सामने आ जाते। तो ये बात तो स्पष्ट है कि इन उपद्रवियों के साथ कौन खड़ा है, उनका सिंपथाइजर कौन है, इसलिए साबित करने की जरूरत नहीं। हमने अलग अलग घटनाओं में इसको कई बार साबित होते हुए देखा है। और एक गंभीर बात मैं राकेश जी कहूं, भारत इकलौता मुल्क ऐसा है जहां पर बहुसंख्यक आबादी के त्योहार संगीनों के साए में हो रहे हैं, साज भय के वातावरण में हो रहे हैं बहुसंख्यक आबादी के। अल्पसंख्यक आबादी लगातार थ्रेटन करने का काम करती है। दुनिया में दूसरा कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां आपको इस तरह का उदाहरण मिलेगा। हां दुनिया में इस तरह के मुल्क आपको जरूर मिलेंगे जहां अल्पसंख्यक आबादी अपनी पूजा पद्धति को, अपने कार्यक्रमों को, अपने व्रत त्योहारों को छुप करके मनाने का काम करती है, क्योंकि अब जो बहुसंख्यक आबादी है वो प्रताड़ना देने का काम करती है। लेकिन ये देश अलग रीति का चल रहा है जहां अल्पसंख्यक बिरादरी अपने आप को अल्पसंख्यक कहेगी लेकिन हिंदुओं के बहुसंख्यक आबादी के त्योहारों में हर बार विघ्न डालने का काम कर रही है। ये बहुत चिंताजनक स्थिति है और मैं इसलिए कह रहा हूं कि राजनीतिक दल अपने पूर्वाग्रह और वोट बैंक पॉलिटिक्स से अलग हट करके देश की सिचुएशन पर एक बार जरा गंभीरता से विचार करें। क्या हिंदू अपने त्योहार नहीं मना सकते हैं? ये सवाल बाजी में चंद्रमोहन जी बताइए, मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं। एक आपकी और टिप्पणी सर, हिंदू पर्व पर रामनवमी के जुलूस पर पथराव हो जाता है, हनुमान जयंती के जुलूस पर पथराव हो जाता है, तो सर आप लोग खुलकर इसकी आलोचना कर क्यों नहीं पाते? मैं कह रहा हूं एक सोशल मीडिया पोस्ट दिखाइए, सूरत में जो कुछ हुआ पिछले साल, पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ था, राजस्थान में आप लोगों की सरकार थी, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे तब जो कुछ हुआ था, इस पर आप एक सोशल मीडिया पोस्ट दिखाइए ना कि कौन कर रहा है ये पथराव, उन पथराव की आलोचना, उस कट्टर गैंग की आलोचना आप लोग क्यों नहीं करते हैं? अब मुझे जवाब देने लीजिएगा। देखिए अभी त्रिपाठी जी ने बोला कि हिंदुओं के जितने भी पर्व हैं इस देश के अंदर संगीनों के साए के अंदर हो रहे हैं और आए दिन उपद्रव हो रहे हैं, यानी उन्होंने अपनी नाकामी, अपनी विफलता और अपने नेतृत्व को लांछन लगा दिया कि उस व्यक्तित्व, उस नेतृत्व को जिसको वो कहते हैं
देश नहीं कहता है, देश के कुछ लोग जो भाजपा के हैं कि उनके सामने देश और देश के विदेश के लोग उत्सुक होते हैं। अपने ही देश के अंदर भाजपा के प्रवक्ता कह रहा है कि बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं करने दूंगा, कमिटमेंट था कि सूर्योदय के साथ पकड़ लेंगे, रात में ताला तोड़कर पकड़ना पड़ा, पकड़ लिया, दरवाजा तोड़कर पकड़ना पड़ा, निकालना पड़ा, पत्थरबाज को निकाल लिया। और उन्हीं के हिंदू धर्मों के अंदर, संगीनों के साए के अंदर त्योहार मनाए जा रहे हैं, तो फिर देश का नेतृत्व और भाजपा क्या कर रही है? जैसे ही चलेगा देखिएगा, वो हिंदुओं के साथ वोट बैंक चल गया बुलडोजर, राकेश जी आप थोड़ा बेटे नहीं है, हिंदू मुस्लिम की भाईचारा चल गया है, तस्वीरें भी हमने दिखा दी है। मतलब एक भाजपा के पर, और आपसे आपसे भी एक शिकायत है राकेश पांडे जी, आप ब्राह्मण हिंदू होते हुए भी भाजपा का प्रवक्ता सरेआम हमारे हिंदुओं के प्रति अपशब्द बोल रहा है। क्या अपशब्द बोल दिया उन्होंने? टोकरे नहीं नहीं, क्या बोला हिंदुओं के प्रति अपशब्द बोलिए? चंद्रमोहन जी, राकेश त्रिपाठी ने हिंदुओं के लिए अपशब्द क्या बोला बोलिए? साए के ऊपर मैंने सुना नहीं है, लेकिन मुझे बताइए क्या अपशब्द बोला? आप ये नहीं पूछ रहे कि ऐसा क्यों है? क्या अपशब्द बोला? 10 साल की सरकार के अंदर भाजपा के नेतृत्व के अंदर हमारे देश का हिंदू सुरक्षित क्यों नहीं है? हमारे देश के हिंदू त्योहार सुरक्षित क्यों नहीं है? चंद्रमोहन जी सुनिए ना, हिंदुओं के लिए अपशब्द क्या बोला? गिरिराज किशोर जी बताएं। अरे हिंदुओं के लिए अपशब्द क्या बोला वो बताइए। मैंने उन्हीं के प्रश्नों से, आप उनसे पूछिए। अरे आप बताइए ना, उन्हीं के प्रश्न से प्रश्न आपको दिया है। अरे अपशब्द क्या बोला ये बताइए भाई, मैं विरोध करूंगा उसका। अंदर आप बताइए तो अपशब्द क्या बोला? अंदर हिंदुओं के त्योहार मनाए जाते हैं, तो इसका गुनाह किसका है? उलझुल बोल रहे हैं। 10 साल से सरकार किसकी है? राकेश त्रिपाठी जी, क्या आप शब्द बोल दिया भाई? आप आपने रिलाइज कर लीजिए उनसे, जब बोले संभल के बोले। का संरक्षण जो करने का काम कर रहे, गुनाह आपका है। ये पर राजनीतिक संरक्षण देने का जो काम करते हैं ना, जो आप बार बार हमारा नहीं है, ये आपकी निकम्मा पर है। देश के अंदर हिंदू मुस्लिम खराब करना और हिंदू मुस्लिम की बातें करना, काम की बात ना करना, धर्म के नाम पे मजहब की बात करना। त्रिपाठी जी, एक्शन होगा आज आप पे। आपने जो बोला और जो मैंने काउंटर करा, आपकी पार्टी सुन रही है, क्योंकि आप झूठ बोलते बोलते वो बात बोलते तो कभी भाजपा के किसी नेता है, संघ के नेता ने नहीं बोली। आप शपथ लेकर कहिए, माफी मांग लीजिए त्रिपाठी जी, बता रहा हूँ, कितनी भी कठोर माफी मांग लीजिए कि मेरे से गलती हो गई, कि मैं एक पार्टी को जो चिल्ला चिल्ला के कहती है हिंदुवादी है, उसी का प्रवक्ता कह रहा है कि 10 साल के राष्ट्रवाद के कार्यक्रम में कहीं राष्ट्रवाद के कार्यक्रम हिंदू धर्म के अंदर जो त्योहार मनाया जाता है, वो संगीनों के साए में मनाया जाता है। अरे चंद्रमोहन जी, चंद्रमोहन जी, आप रेफरेंस नहीं याद रखते हैं भाई। राजस्थान में आप लोगों की सरकार थी, पत्थरबाजी हुई, पत्थरबाजी एक बार तो मान लिया जाए कि कहीं भी हो सकती है, लेकिन पत्थरबाज खुले भी घूमते रहे। गुजरात में तो कम से कम पकड़ लिए गए, ताला तोड़कर ही सही। लेकिन मुमताज आलम रिजवी, एक सवाल है और सवाल भाई ये है, सत्ता से प्रश्न नहीं पूछेंगे। तजिए पर पथराव कभी हुआ है? मेरी मजबूरी पता है। मुहर्रम पर पथराव कभी हुआ है? हुआ हो तो मुझे बताइए किस जगह पर हुआ है। राकेश जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब मुल्क में और कई सूबों में बीजेपी की मजबूत सरकारें हैं, आखिर क्या वजह है कि कश्मीर में पत्थर रुक गया? वहां पत्थरबाजी नहीं होती जहां पत्थरबाजी हुआ करती थी। चलिए मान तो रहे, लेकिन पूरे देश में नहीं, नहीं, आपने क्यों रुका? लेकिन पूरे देश में पत्थरबाजी शुरू हो गई, इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों पूरे देश में, और खास तौर से उन रियासतों में पत्थरबाजी जरूर होती है कि जहां बीजेपी सरकार है, तो फिर जरूर होती है। एक मिनट, तो आपको परेशानी नहीं है ना? ताला तोड़कर, ताला तोड़कर पकड़ लिया, ऐसा है, ताला तोड़ के तो किसी को भी पकड़ा जा सकता है, किसी को भी पकड़ा जा सकता है। नहीं नहीं, ऐसा है, चल गया तो आपको ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, जितनी ज्यादती करनी हो, अब ज्यादती हो गई। जितना हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। अच्छा, ये ज्यादती हो, कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। ताला तोड़कर पकड़ना ज्यादती हो गई। अगर संगीन के साए में था तो पत्थर चले क्यों? अरे ताला, कहां से लोग आ गए? क्यों उन्हें नहीं रोका गया? अरे उसके बाद संगीन के साए में सुरक्षा देने पड़ी मुमताज आलम जी, ये बिल्कुल नाकामी है। संगीनों के साए में सुरक्षा, कहां सुरक्षा थी? क्यों पत्थर चल गए? सुरक्षा, अरे तो ये तो आपको पूछना चाहिए ना, पत्थर क्यों चल गए? ये झूठ है, ये क्या झूठ जो है? मैं पत्थर चलना झूठ है, मैं आपको चलना झूठ है, जान भर पत्थर चलना झूठ है। मुमताज आलम रिजवी, पत्थर चलना झूठ है, पहले मुझे बताइए। नहीं रुकिए, पत्थर चलना झूठ है सूरत में, बंगाल में, चाहे राजस्थान में? नफरत फैलाना सच है। अच्छा, इस देश में नफरत, अच्छा, और माहौल क्रिएट किया जाता है। जो लोग जुलूस लेके निकलते हैं, ये वो ऐसा माहौल बना देते हैं, ऐसे नारे लगाते हैं, चल गया, ऐसा माहौल तो हो गया, ये अत्याचार है बुलडोजर, ये अत्याचार क्यों होता है? इतना जुल्म करोगे, करो जितना जुल्म करना है, ये जुल्म है। आचार्य जमा देते, सबका जवाब जवाब मिलेगा, कीजिए जुल्म जितना करना है, कीजिए। पांडे जी, आपने पहले प्रश्न क्या किया था इनसे, प्रश्न किया था कोई लिस्ट दे दो कि आपके किसी ताजिए पर हमला हुआ हो, वो नहीं, वो जवाब दिए उन्होंने।
जवाब कुछ और देना शुरू, क्यों? क्योंकि बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर चलने पर, हथकड़ी लगने पर जिनके पेट में दर्द हो जाता है, ये सारे वही बिलख रहे हैं। इनको नहीं, इनको दर्द नहीं होता कि जब पत्थर चला जाते हैं और जब हिंदुओं पत्थर पड़ते हैं, यात्राएं रुकती है, तब इनको दर्द नहीं होता। लेकिन उसके बाद वाले एक्शन पर जगह पहुंच जाते हैं हर जगह कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास पहुंच गए, बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर चल रहा है। क्यों चल रहा है? जब भी कार्रवाई होती है तगात लगातार, अभी तिवारी जी ने बताया ना कि कार्रवाई होने पर जिस प्रकार के बयान आते हैं, ये बयान आने शुरू हो गए कार्रवाई जब हो रही है। मैं आपको लिस्ट दे देता हूं, ये बोल रहे ना कौन सी घटना घटी, मैंने कुछ लिस्ट निकाली है आपको बताएं। 16 नवंबर 2023 को विशेष आप समझे कि हरियाणा के नूह के अंदर वजह बताइए होता है, वजह क्यों है ये बताइए ना, कर लोग हमला करते हैं। अरे लिस्ट न दीजिए, अरे वजह बता रहे ना, अरे लिस्ट वजह बैठे हो आप लोग, वजह बैठे हो आप लोग, अरे वजह बैठे हो आइए कि जब से मोदी वजह बैठे हैं ना, अरे मैं तो बता रहा हूँ वजह आप लोग बैठे हो भाई, इससे पहले पत्थरबाजी देश में क्यों नहीं होती थी? हाँ, जहाँ भाजपा सरकार है वहीं पत्थरबाजी क्यों हो रही है? क्यों ये साजिश हो रही है? मुझे इसका जवाब दीजिए ना। पहले की लिस्ट दूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ, पत्थर चले तो हर जगह और पत्थरबाजों के हिमायत में कोई नहीं खड़ा, लेकिन सवाल ये पत्थर चले क्यों? अरे भाई, कहाँ थी सरकार, कहाँ थी सिक्योरिटी, कहाँ थी इंतजामिया, साल कौन सा उत्सव ऐसा गया है? अरे क्यों हुआ चलाए हो? अरे भाई सवाल ये है कि कहाँ क्यों हुआ? आप लोग सरकार क्या खुफिया विभाग क्या कर रहा था? आप लोगों क्या उनके पास इनपुट नहीं थे कि यहाँ कौन कौन लोग हैं? अच्छा मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्या बात कर रहे हो? लिस्ट गिना रहे हो? लिस्ट क्या होता है? क्या होता है?